से रुक, ए साले रुक। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। कौन है तुम लोग? डरो मत मुझे, हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। पर मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, और मैंने आपके साथ किया क्या है? नहीं, हमारे साथ तो कुछ नहीं किया, जो किया तुमने अपने साथ ही किया है। डॉक्टर प्रभाकर की वो चमत्कारी दवा पीकर तुम ओझल तो हो गए, अब परेशान हो। मैं जानता हूँ तुम वापस अपने रूप में आना चाहते हो। अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो हम भी तुम्हारी सहायता करें। अच्छा, आप लोगों को सब पता है? ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। सब हो जाएगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अदालत चलो और वहां मेरे चंद प्रश्न का उत्तर दो। अदालत? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने ही डॉक्टर प्रभाकर का खून किया है? अगर तुम हत्यारे नहीं हो तो फिर तुम्हें डर कैसा? कुछ नहीं होगा तुम। देखिए, मैंने खून नहीं किया है, लेकिन अगर मैं कोर्ट में गया तो डॉक्टर प्रभाकर के खून के जुर्म में मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे। देखो भाई, तुम्हारा शरीर भले उजल हो गया, लेकिन भावनाएं तो वैसी ही है ना, और तुम्हारे कथन से एक निर्दोष की जान बच सकती है। और तुम निर्दोष हो तो फिर भय किस बात का? कुछ नहीं होगा तुम्हें। समझा? छोड़ू? सुन बेटा, चलना तो तेरे को पड़ेगा ही, या तू अपुन की मर्जी से चल या अपनी मर्जी से चल अच्छे से। देख, अगर तू अपनी मर्जी से अच्छे से चला ना तो कीड़ी बहुत सर अपना, वो देवता है देवता, वो तेरा शरीर वापस लाएगा। अपन बोल रहे ना एकदम सॉलिड सच्ची में। ठीक है, पर अपना वादा याद रखना, मुझे अपना शरीर वापस चाहिए। शांत रहे, चलो मोहित। हाँ चले, चल। योर ऑनर, ओझल हुए लापता हुए मोहित को हमने ढूंढ निकाला है। तो कहाँ है वो? उसे कटघरे में पेश कीजिए। श्रवण, मोहित को ले। छोड़ो मुझे, जाने दो। चल चल, मिस्टर इंडिया कहीं का, चल। अरे ये क्यों दिमाग के अटारे लाए? आ कीजिए, शांति से खड़े हो ना। ये किस तरह का जादू कर रहा है केडी? पाठक साहब, ये अदालत के साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी तो आपके सहायक के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये मोहित जो है ये अदृश्य हो गया है डॉक्टर साहब की दवा पीकर, तभी तो इसे पकड़ने में हमें इतना कष्ट हुआ। मतलब इनविजिबल मैन? वाह मिस्टर पाठक, क्या कहानी है, वाह। लेकिन मिस्टर पाठक, मैं आपको बता दूं कि यह अदालत है, यहाँ पे हकीकत बयां होती है, कहानियां नहीं। मैं भी जानता हूँ कि यह अदालत है, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ये न्यायाधीश महोदय हैं, मैं केडी पाठक हूँ, और ये मोहित है, ये भी एक हकीकत है। अगर आपको मिस्टर पाठक का ये इनविजिबल मोहित नजर आ रहा हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिस्टर पाठक अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। केडी, ये सब क्या है? मुझे मोहित दिख क्यों नहीं रहा है? अचंभे की बात है योर ऑनर, मुझे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है अदालत में, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं प्रमाणित कर देता हूँ। अरे श्रवण, जरा कपड़े तो पहनाओ। देखिए योर ऑनर, आ रहा है रूप। ऐसा लग रहा है कोट टांगा हुआ हैंगर में। आइए मुझ कटघरे में। योर ऑनर, यही है मोहित, वही मोहित जो
डॉक्टर प्रभाकर की वो फॉर्मूला पीकर ओझल हो गया था। ये ओझल तो हो गए, लेकिन वहां से वापस कैसे लौटना है ये जानकारी इनके पास नहीं थी, तो ये कुछ यूं ही अब ऐसे ही है। मोहित, तुम तैयार हो कथन देने के लिए? योर ऑनर, गवाही तो इंसानों के लिए जाती, उनकी नहीं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं हूं। इसे मैं इंसान कैसे मान लूं? मैं इंसान कैसे मान लूं मतलब क्या? अस्तित्व ही नहीं मतलब क्या सलगांवकर? ये आपकी और मेरी तरह एक जीवित मनुष्य है, आपकी और मेरी तरह समाज में इसका स्थान है, और जो सरकारी कागजात आपके और मेरे पास है वो इनके पास भी है। योर ऑनर, भले ही ये दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये एक जीवित मनुष्य है, ये बोल पाते हैं। अगर बोल पाते हैं तो कथन दे पाएंगे, तो आपकी अनुमति हो तो मैं कथन ले लूं। अनुमति। धन्यवाद। तो मोहित, एक्सेस कार्ड की सूची के अनुसार जिस समय प्रभाकर जी की हत्या हुई उस समय आप भी प्रयोगशाला में उपस्थित थे, सत्य है ये बात? जी हाँ। तुमने वो अदृश्य होने वाली दवा स्वयं क्यों पी ली? उसे अगर बाजार में बेचते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे। इंसान जिंदगी में घर एक ही बार बना पाता है, पर मेरे भाई की जुआ खेलने की लत की वजह से उसने वो घर गिरवी रख दिया था। मैं चाहकर भी इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा था कि घर छोड़ा सकूं। जब मैंने इस आविष्कार के बारे में सुना तो अपने और अपने परिवार के सर की छत बचाने के लिए सोचा कि क्यों न गायब होने की दवा पी लूं और गायब होकर घर के कागजात वापस ले लूं। छोटी सोच लेकिन अच्छी सोच, जितने की आवश्यकता थी उतना ही पाना चाह। एक और प्रश्न मेरे मन में ये उठता है मोहित, कि तुमने जो अदृश्य होने वाली दवा पी ली, तुम्हें ये चिंता नहीं हुई कि तुम लौटोगे कैसे और कैसे इसका प्रतिषेधक तुम्हें मिलेगा या नहीं, या जो तुम पियोगे तो फिर दिखने लगोगे, ये चिंता नहीं हुई तुम्हें? मुझे पता था कि ऐसी भी दवाई जरूर होगी जिसे पीकर मैं वापस आ जाऊंगा, पर कहां थी ये नहीं पता था, और प्रोफेसर की मौत के बाद मैं डर गया था। मतलब ये बताओ कि ये जो ओझल होने वाली दवा थी ये कब पी तुमने? प्रोफेसर साहब की मृत्यु के पहले या बाद में? हत्या होने से पहले ही। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय प्रोफेसर साहब की हत्या हुई तुम उपस्थित थे वहीं? जी हाँ। तो तुमने देखा होगा कि किसने की हत्या, किस प्रकार से की, जरा विस्तार में अदालत को बताइए कि क्या क्या हुआ। उस दिन जब मैं लैब से बाहर निकलने वाला था तो मैंने प्रभाकर सर को अंदर आते हुए देखा, और देखकर मैं छुपने लगा। अरे तुमने तो अदृश्य होने की दवाई पी ली थी ना, तो फिर छुप क्यों गए? घबराहट में भूल गया था कि मैं अदृश्य हूँ, इसलिए पकड़े जाने के डर से मैं छुप गया था। अच्छा तो चलिए, छिप गए तो छिप गए, तो छिप कर क्या क्या देखा आपने जरा बताइए ना। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं प्रभाकर सर को देखकर छुपा हुआ था तो मैंने देखा। किसने छुराया मेरा आविष्कार? प्रभाकर सर का गुस्सा देखकर मैं डर गया था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैं उन पर हमला कर दूंगा, इसलिए मैंने पास में पड़ा एक माइक्रोस्कोप उठा लिया था, पर उसकी नौबत नहीं आई, अचानक लाइट चली गई। अब तो केस बिल्कुल साफ है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, कातिल अब एक मिनट में हमारे सामने होगा। मोहित, अगर तुम कहते हो कि तुम वहां मौजूद थे और वो भी गायब वाली स्थिति में थे, तो इसका मतलब है कि तुमने तो कातिल को देखा होगा। तो भी बताओ हम सबको, किसने खून किया डॉक्टर प्रभाकर का, कौन है वो असली कातिल? नहीं, मैं नहीं बता सकता कि उसकी शक्ल कैसी थी, मैंने सिर्फ उसका हाथ देखा था। कहते हो कि जब कत्ल हुआ तब तुम वहां मौजूद थे और तुमने हत्यारे के सिर्फ हाथ देखे, शक्ल नहीं देखी, जबकि तुम चाहते तो हत्या रोक सकते थे। अरे कम से कम हत्यारे के पास जाकर उसकी शक्ल तो देख ही सकते थे। सलगांवकर, मोहित पहले कह चुका है कि प्रयोगशाला में अंधेरा था, बत्तियां बुझ गई थी और उसने केवल हत्यारे का हाथ देखा और कुछ नहीं देखा। पाठक जी, क्या मैं मोहित से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ प्लीज? आइए, बाकी प्रश्न पूछ लीजिए, आइए।
मिस्टर मोहित ये बताइए कि आप एक्सेल लैब में कितने सालों से काम करते हैं? कुछ 6 सालों से। जाहिर है लाइट्स के बटन कहाँ हैं ये तो जानते ही होंगे आप। तो मोहित आपने लाइट्स को ऑफ क्यों रहने दिया? अंधेरे में हत्या क्यों होने दी आपने? योना, इन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। मिस्टर मोहित ने जानबूझकर लाइट्स को ऑफ रखा, और हां, इन्होंने किसी अपने घर वर के चक्कर में नहीं बल्कि अपने बड़े बड़े सपनों के लिए उस चमत्कारी दवाई की चोरी की ताकि आराम की जिंदगी जी सके। शॉर्टकट में बड़े बड़े पैसे जो कमाने थे इन्हें, क्यों मोहित? सही है ना? लेकिन योना, इनका प्लान तब फेल हो गया जब एंटीडोट यानी जिस दवाई को पीकर इन्हें वापस अपना शरीर प्राप्त करना था वो इनके हाथ नहीं लगी। और मिस्टर मोहित, आप अपना दायां हाथ आगे करेंगे प्लीज? सॉरी, क्या हो गया आपको? आपके हाथ में दर्द है क्या? योर ऑनर, ये कैसा प्रश्न है? ये वही प्रश्न है पाठक साहब जिसका उत्तर अब जाके मुझे मिला। योर ऑनर, ये वही हाथ है जिसने उस खिड़की का कांच तोड़ा था और बाद में दूसरा कांच लगा भी दिया था। उसी टूटे खिड़की के रास्ते से मिस्टर मोहित प्रयोगशाला में दाखिल हुए थे। उस वक्त इनके दिमाग में खतरनाक साजिश चल रही थी, किसी भी कीमत पर इन्हें वो चमत्कारी दवाई हासिल करनी थी, चुरानी थी। लेकिन जब उसी वक्त डॉक्टर प्रभाकर प्रयोगशाला में पहुंचे और इसके मंसूबों पर पानी फेरना चाहा, तब इसने डॉक्टर प्रभाकर का खून कर दिया। मिस्टर पाठक, आई मस्ट से यू आर राइट, क्योंकि मोहित के खिड़की से बाहर निकलने की बात मिस्टर पाठक ने ही सबसे पहले की थी। मोहित ही वो व्यक्ति है जो प्रभाकर जी का ये अद्भुत अदृश्य कर देने वाला जो आविष्कार था उसे पीकर ओझल हो गया। योर ऑनर, डॉक्टर प्रभाकर का असली कातिल कोई और नहीं, मोहित ही है। नहीं, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने खून नहीं किया है, मैं तो खुद ही अपने कर्मों के चक्कर में फंसा हुआ हूं। मिस्टर सलगांवकर, ये क्या आपके कह देने से कोई भी हत्यारा हो जाएगा? आपने कह दिया मोहित हत्यारा है तो हो गया, ये अदालत है, यहाँ हर बात प्रमाणित करनी पड़ती है। हो सकता है इसके हाथों में चोट लग गई हो कहीं, इसका ये अर्थ नहीं कि उसी खिड़की पर इसे चोट लगी है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अभियोग पक्ष महोदय कुछ दुविधा में है। पहले इन्हें उमी हत्यारा लग रहा था, अब मोहित हत्यारा लग रहा है, संभवतः किसी तीसरे की प्रतीक्षा कर रहा है। केडी, मोहित अदृश्य, लेकिन जिस वक्त खून हुआ उस वक्त वो वहां मौजूद था। इतने सबूत काफी हैं हमें मोहित को गिरफ्तार करने के लिए और उसे पुलिस हिरासत में भेज देने के लिए। बाकी असली कातिल तो गिरफ्तार हो ही जाएगा, तब तक के लिए ये अदालत बर्खास्त की जाती है। ए, अरे काय को रोता है रे? तू कुछ लफड़ा किया? नहीं ना, तू चिल करना। अरे खेड़ी बॉस है ना, तेरे को बचाएंगे। कैसे बचाएंगे मुझे? मैंने वो शीशी चुराई थी और उसका इस्तेमाल भी किया था। वो एक चोर की बात का विश्वास नहीं करेंगे और आसानी से मुझे खूनी साबित कर देंगे। इसलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाहता था, अब फंस गया ना। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? देख मोहित, जिस परिवार को तू बचाना चाहता है उस परिवार के बारे में सोच और मुझे बता, जो हाथ तूने देखा था कैसा दिखता था वो हाथ? खून के वक्त बस मैं छुपने की कोशिश कर रहा था, अचानक मेरी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी और मैं कुछ ठीक से देख नहीं पाया। किस चीज की रोशनी पड़ी? मुझे नहीं पता, बस उसके हाथ से निकली थी। अपू ने ना एक फिल्म में देखा था, वो ऐसा कोई मुंदरी पहनता है और ऐसा रोशनी गिरता मुंदरी पे, रोशनी एकदम आंख पे पड़ता है और हीरो की यादाश्त वापस आती है। बॉस, इसकी तो गई क्या रे, उल्टा। हाँ, शायद अंगूठी ही थी वो। अंगूठी?
बॉस, अपुन ने ना कॉन्फ्रेंस में आए हुए हर इंसान का कुंडली निकाला, तो मालूम पड़ा प्रभाकर के खिलाफ ना 3 लोग थे, ये मलाई, दिनेश और कुणाल। और इन तीनों के हाथों में वैसी ही अंगूठी है जैसा कि वर्णन मोहित ने किया। इसका अर्थ है कि इन तीन में से ही कोई हत्यारा है। योर ऑनर, आज अदालत में मैं एक ऐसा रहस्य खोलने वाला हूँ जिससे इस केस की दिशा ही बदल जाएगी। डॉक्टर प्रभाकर का हत्यारा हत्या के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था। 3 व्यक्ति थे योर ऑनर, मलय, कुणाल और दिनेश। इन तीन में से ही कोई एक हत्यारा है। सर्वप्रथम मैं मलय को कटघरे में बुलाकर उसे पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। योर ऑनर, डॉक्टर मलय स्वयं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। सही कह रहा हूँ मैं डॉक्टर मलय? जी हाँ, मैं ही मलय हूँ। आई एम ए सीनियर साइंटिस्ट और उस दिन डॉक्टर प्रभाकर के बुलाने पर ही कॉन्फ्रेंस में गया था। ये बताइए, जिस समय डॉक्टर प्रभाकर वहाँ से अपनी लैब की ओर गए, प्रयोगशाला की ओर गए, आप उस समय कहाँ? जब डॉक्टर प्रभाकर कॉन्फ्रेंस से लैब की तरफ गए तो मैं भी और लोगों की तरह लैब में जाने का वेट कर रहा था वहीं पर। डॉक्टर मलय, क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, भारी तादाद में प्रेस वाले वहां उपस्थित थे, कैमरा समेत, तो सब कुछ दर्ज हुआ है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है प्रमाणित करना, लेकिन अगर अदालत में प्रमाणित हो गया कि आप जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। याद करके देखिए, हो सकता है आपकी स्मृति में कोई खोट आ रही हो। जी हाँ, दरअसल दिमाग से निकल गया, मैं कमरे से बाहर गया था। कहाँ गए थे आप? मुझे एक जरूरी फोन कॉल करनी थी, इसलिए मैं बाहर गया था। योर ऑनर, इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारे पास पहले ही काफी सबूत है कि मोहित उस वक्त लैब में मौजूद था और उसी ने डॉक्टर प्रभाकर का खून किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन था कौन नहीं था ये सब जानकर हमें मिलने क्या वाला है? नहीं, मिलेगा तो बहुत कुछ। मुझे अपना कार्य तो करने दीजिए, आप निश्चिंत होकर बैठिए ना। मैंने कभी आपके कार्य में टांग अड़ाया है? आप मेरे कार्य में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं? बैठिए। लेकिन क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि डॉक्टर प्रभाकर का खून डॉक्टर मलय करेंगे क्यों? ये तो मैं बताऊंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो केस की गतिविधि आगे बढ़ाऊं। हाँ, तो डॉक्टर मलय, अब तो न्यायाधीश महोदय के साथ साथ सलगांवकर साहब को भी तो बताना है, तो बताइए आप कि ये जो आपके चेहरे पर जले का दाग है ये कैसे आया? देखिए, बताने को कुछ नहीं है, एक छोटी सी दुर्घटना की वजह से ऐसा हो गया था। चलिए, आप छोटी सी कह रहे हैं तो छोटी सी होगी, इस दुर्घटना के पीछे रहस्य क्या था ये तो बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, और अगर कोई भूल चूक हो जाए मुझसे तो आप टोक दीजिएगा मुझे। योर ऑनर, डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर मलय ने एक ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया था। साथ में काम करते करते एक समय ऐसा आया योर ऑनर कि डॉक्टर प्रभाकर से एक भूल हो गई, जिसके कारण डॉक्टर मलय का चेहरा जल गया। अपने जले हुए चेहरे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और बार बार डॉक्टर प्रभाकर से कहते थे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला एक दिन जरूर लूंगा। और केवल इतना ही नहीं, और डॉक्टर प्रभाकर की तरक्की इनसे देखी नहीं गई। डॉक्टर प्रभाकर तरक्की करते रहे और ये पीछे छूट गए। हो सकता है इसी ईर्ष्या के कारण जो धमकी इन्होंने दी थी वो धमकी भड़क उठी और इन्होंने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या कर दी। अब तक का मेरा कथन सत्य है या नहीं? Stop it, please. मैंने प्रभाकर को नहीं मारा, मैं कमरे से जरूर बाहर गया था, लेकिन प्रभाकर के पीछे लैब में नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे एक जरूरी फोन कॉल आई थी, आप चाहे तो मेरे फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हाँ, आपके कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए और ये पाया कि आपको वास्तव में फोन कॉल आया था, लेकिन फोन कॉल आया था इसका ये अर्थ तो नहीं होता कि आपने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या नहीं की। आप हत्यारे हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा। इस समय आप विराजिए, मैं जरा कुणाल से भी वार्तालाप करूं। योर ऑनर, कॉन्फ्रेंस में जिन अतिथियों को बुलाया गया था
उनकी लिस्ट मेरे पास है और यहाँ 11 नंबर पर मनोहर सत्ता समाचार पत्र के कुणाल चतुर्वेदी। स्पष्ट है कि जैसे बाकी अतिथियों को इनविटेशन कार्ड आमंत्रण पत्र भेजा गया था, आपको भी भेजा गया होगा। जी हाँ। अगर आप वहाँ खबर की तलाश में गए थे तो ऐसा क्यों कि आप ही के समाचार पत्र में जो चित्र छपा है और बाकी के समाचार पत्रों में जो चित्र छपे हैं और वहाँ उपस्थित कैमरामैन की के चित्र और चलचित्र की फुटेज देखने के बाद आप कहीं दिखाई ही नहीं दिए कॉन्फ्रेंस में, ऐसा क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? इसका ये अर्थ होता है ना कि आप कॉन्फ्रेंस में गए तो थे लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में थे ही नहीं। ये सच नहीं है, मैंने वो पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। अब अगर मैं किसी तस्वीर में नहीं दिख रहा हूँ तो मेरी क्या गलती है? ये तो आपको उस फोटोग्राफर से पूछना चाहिए जिसने मेरी तस्वीर नहीं खींची। अच्छा, सोचने पर उतारू हो गया हूँ कि किसी भी फोटोग्राफर ने आपकी फोटो क्यों नहीं ली। चलिए कोई बात नहीं, ये पता चला है कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड है आपका, आपकी प्यारी सी चित्र जहाँ लगी हुई है, मनोहर सत्ता समाचार पत्र ने ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड इश्यू ही नहीं किया। ये कार्ड आपने कैसे, कहां से बनवाया? इस कार्ड के जरिए आपने एंट्री ली लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में आप थे नहीं, ये क्या चक्कर है? समझाइए ना जरा सरलता। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी बेतुकी बातों से क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, साबित नहीं करना चाहता, आपका अस्तित्व क्या है ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी पहचान क्या है ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपके इन सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझता हूँ और आप तो मुझे खून के चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर कुणाल, अदालत में पूछे गए किसी भी सवाल का आपको सीधा जवाब देना चाहिए वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बिना पर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। योर ऑनर, लगता है इनका वार्तालाप करने का मूड नहीं, किंतु मेरे पास कुछ और लोग हैं जो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। जी हाँ, मैंने पहचानता हूँ। ये उस दिन मर्डर वाले दिन सुबह से ही प्रभाकर सर के लेबोरेटरी के आसपास घूम रहे थे। विलास जी, आपने तो ये पहले कभी नहीं कहा कि आपने लैब के पास किसी को देखा था। जी, इन्होंने कहा था कि एक रिपोर्टर है और उनके गले में आईडी भी थी, तो मुझे भी लगा कि एक मामूली बात है। नहीं विलास जी, ये मामूली बात नहीं है। हाँ, आपके लिए मामूली बात हो सकती है लेकिन हमारे लिए नहीं। योर ऑनर, सर्वप्रथम ये क्योंकि कुणाल सुबह से प्रयोगशाला की कॉरिडोर में घूम रहे थे, वो भी नकली आईडी कार्ड के आधार पर। द्वितीय, ये 6 महीने पहले की प्रेस कटिंग्स है योर ऑनर, जिनके अनुसार कुणाल ने अपनी संतान, अपने बेटे की मृत्यु का कारण डॉक्टर प्रभाकर बताया है। दुर्भाग्यवश कुछ प्रमाणित नहीं हो पाया, इसलिए इसके लिए डॉक्टर प्रभाकर कभी गिरफ्तार नहीं हुए, मुकदमा अदालत तक पहुंचा ही नहीं। योर ऑनर, इन सब बातों को देखते हुए हत्या का मकसद साफ होता है। योर ऑनर, हो सकता है कुणाल प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और अपनी संतान की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की। झूठ है, मैंने उन्हें नहीं मारा, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना डर क्यों रहे हैं आप? ये अदालत है और यहाँ हर बात की पुष्टि करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। बैठ जाइए आप। योर ऑनर, अब मैं अदालत का ध्यान यहाँ रखे हुए एक अहम सबूत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये क्या है? सर, ये चाकू है। विलास जी, चाकू है ये तो मुझे भी दिख रहा है, न्यायाधीश महोदय को भी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये चाकू क्या देखा है आपने कभी पहले? इसका उपयोग किया जाता था प्रयोगशाला में, देखा है इसे आपने कभी पहले? नहीं सर, मैं इस चाकू को नहीं जानता हूँ और लैब में भी इस तरह का चाकू इस्तेमाल नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये चाकू हत्यारा अपने साथ लेकर आया था केवल और केवल डॉक्टर प्रभाकर की हत्या करने के लिए। योर ऑनर, इस समय मैं अपने तीसरे संदिग्ध दिनेश को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। दिनेश जी, आप प्रयोगशाला के रिसर्च हेड हैं,
तो स्पष्ट है कि वहाँ जितने वैज्ञानिक हैं और उच्च कोटि के लोग हैं उनके साथ संपर्क रखना आपके लिए आवश्यक होता होगा। और इस ये जो प्रयोग डॉक्टर प्रभाकर कर रहे थे इसको लेकर आप अधिक उत्साहित रहे होंगे। ये एक्सपेरिमेंट हम सबके लिए बड़े गर्व की बात थी। तो जब आपने सुना कि डॉक्टर प्रभाकर की हत्या हो गई तब क्या बीती आप पर, क्या महसूस किया आपने? ऑब्वियसली झटका लगा, बहुत बुरा झटका लगा। आई वॉज शॉक्ड, और कैसे महसूस कर सकता हूँ? आपको बहुत बुरा झटका लगा, यू वर शॉक्ड। लेकिन यहाँ कोई है दिनेश जी जो आपके इस कथन से सहमत नहीं है? योर ऑनर, मैं मोहित से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। मोहित, जब तुमने वो दवा पी और अदृश्य हो गए, उसके पश्चात जब तुम प्रयोगशाला से बाहर निकले, उसके बाद क्या किया तुमने? सर, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ प्रोफेसर की मौत हो जाएगी। मैं स्टोर रूम की खिड़की तोड़कर अंदर गया था। वैसे तो कोई वहाँ जाता नहीं था, पर मुझे डर था कि इस मौत के बाद छानबीन के दौरान वो टूटी हुई खिड़की लोगों की नज़र में आ जाएगी। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा, तो मैं वापस उसी खिड़की से अंदर गया और स्टोर रूम में रखे कांच से उस खिड़की के टूटे हुए कांच को बदल दिया। तो जब तुम वापस अंदर लौट कर गए तो क्या कुछ देखा तुमने, कुछ सुना? जी, जब मैं स्टोर रूम में कांच ढूंढ रहा था तब मैंने बाहर हॉल में आवाजें सुनी, और बाहर देखा तो मैंने वहां दिनेश को देखा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं बताने ही वाला था, पर वकील साहब ने दूसरा सवाल पूछ लिया और फिर उन्होंने मुझे अपने सवालों के जाल में ऐसा उलझाया कि मैं बताना ही भूल गया। अच्छा, योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोसिक्यूशन ने इन पर दबाव डाला कि कुछ बातें अदालत में ना बताएं। दिनेश के बारे में और क्या क्या जानते हो? बिना मुझसे पूछे कैसे आ गए? कोई भी हम पर शक कर सकता है। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो दिनेश, अब बाकी की कथा आप सुनाएंगे या आप पर दबाव डालो? ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मुझे पता है, मुझे फंसाने में मोहित का हाथ है। उस दिन मैं ना किसी से मिला था और ना ही मुझे उस घटना के बारे में कुछ पता है। जज साहब, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहित झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं? पाठक साहब जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मोहित जैसे मुजरिम पर आप इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए सलगांवकर साहब, अपना अपना दृष्टिकोण है। ये आवश्यक तो नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई बात उचित लगे तो दूसरे व्यक्ति को भी लगनी चाहिए। मुझे मोहित पर विश्वास है तो है, क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मैं मिस्टर मोहित से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, आप चाहे जिससे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। मोहित, क्या यह सच है कि कुछ महीनों पहले तुम्हें प्रयोगशाला से बर्खास्त कर दिया गया था? क्या हो गया भाई, हकला क्यों रहे हो? घबराने की क्या जरूरत है, ऐसे तो गुनहगार हकलाते हैं। अरे नौकरी में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, ऊपर नीचे होता है, समय कहाँ एक जैसा होता है। लेकिन क्या तुम ये बताओगे कि उसकी वजह क्या थी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने ऑफिस से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की थी। इस वजह से कुछ दिनों के लिए मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अरे चोरी तो पाप है, अपराध है, क्यों बड़े सर है ना? अच्छा ये बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें निकाला था? मिस्टर दिनेश। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ में आया, मतलब योर ऑनर, इसीलिए तो मोहित ने दिनेश जी के खिलाफ एक दिलचस्प कहानी बनाई। इसका मतलब यह है कि दिनेश जी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ना तो ये उस वक्त वहां मौजूद थे और ना ही इन्होंने डॉक्टर प्रभाकर का खून किया। और वैसे भी योर ऑनर, जो इंसान चोरी करता हो, जिसे चोरी की आदत हो, उसके लिए चोरी और हत्या में बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं? योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहब के इस कथन से सहमत नहीं हूँ। हर अपराध की एक परिभाषा होती है, परिस्थिति और अपराधी के मानसिक स्थिति के आधार पर हर अपराध की एक पृष्ठभूमि बनती है। अब
मोहित हमें पहले ही बता चुके थे अपने कथन में कि ये अपना घर छुड़ाना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें रुपयों की आवश्यकता थी, इसीलिए ये चोरी करने वहां गए थे। योर ऑनर, ये कतई आवश्यक नहीं कि एक चोर हत्यारा भी। और वहां दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी चींटी तक नहीं मारी, वो भी हत्या करने पर उतारू हो जाता है और हत्या कर देता है। इस समय पर योर ऑनर, मुझे इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति दी जाए। राठौर साहब, कृपया अदालत को बताइए कि दिनेश जी की कैबिन के छानबीन में आपको वहां से क्या प्राप्त हुआ। सर, ये शीशी हमें उनकी टेबल के नीचे मिली। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी को कटघरे में आए और हमें शीशी के बारे में बताए। इस शीशी में बंद पदार्थ के बारे में कुछ बताइए ना। जी नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे टेबल के नीचे कैसे पहुंची। अच्छा, आपको नहीं पता, संभवतः ओमी को पता। बताइए कि ये जो शीशी है, इसके अंदर क्या है। ये शीशी आपको कहां से मिली? ये तो वही शीशी है जिसमें फॉर्मूला है। वही शीशी है जिसमें फॉर्मूला है, मतलब इसमें वही दवा है जिसे पीने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। जी नहीं, ये दूसरा फॉर्मूला है, इससे इंसान अदृश्य नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले को प्रोफेसर ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था। इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसलिए प्रोफेसर ने इसे अलग रखा ताकि इसके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट कर सके। योर ऑनर, इस समय पर मैं अदालत का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा। उस दिन मोहित ने जब अदृश्य होने की दवा पी, उसके बाद से बाकी की जो शीशियां वहां थी, ऐसी शीशियां वो लापता हो गई थी प्रयोगशाला से। उन्हीं शीशियों में से एक ये है। योर ऑनर, उन शीशियों में से एक शीशी में अदृश्य से लौट आने की दवा थी, एंटीडोट था योर ऑनर। और इस शीशी को एंटीडोट समझकर दिनेश जी ने अपने पास रख ली थी। इस बात का साक्षी ओमी है योर ऑनर। ओमी, न्यायाधीश महोदय को बताइए आपने क्या देखा था। जी, उस दिन एक दवा को पीते ही आप गायब हो जाएंगे और दूसरी दवा को पीते ही आप वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। ओमी, तुमने सुना होगा, शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो दोबारा ताजमहल न बना सके। मैं भी अपने हाथ काट डालूंगा सर, इसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस आविष्कार के लिए पागल थे। हाँ, मैं सिर्फ दुनिया को विज्ञान की शक्ति बताना चाहता था और अब वो एक डेमोंस्ट्रेशन देते ही मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सर, क्या कर रहे हैं सर आप? प्रोफेसर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रोफेसर, मैं कितने पैसे कमा के दे सकती थी? मुझे नहीं चाहिए पैसे। तुम एक पागलपन की वैज्ञानिक हो। ये तुम्हारे हाथ कभी नहीं लग सकती। योर ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी निजी लाभ के लिए, रुपयों के लोभ के लिए फॉर्मूला प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी की हत्या कर देना बड़ी बात नहीं है। साइलेंस इन द कोर्ट। उस दिन जब डॉक्टर प्रभाकर ने अपने आविष्कार के कागजात जला दिए, तो सबसे अधिक दुख अगर किसी को हुआ था तो दिनेश जी को। वो किसी भी हाल में वो दो शीशियां जो प्रदर्शन के लिए रखी गई थी, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए योजना बनाकर उन्होंने डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की। नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं निर्दोष हूं। इस खून से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैंने डॉक्टर प्रभाकर का खून नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। ये भी मोहित के साथ शामिल है। कितना झूठ बोलेंगे दिनेश जी? याद रखिए, आपने जो जुर्म किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। एक मिनट पाठक साहब, क्या आप ये बताएंगे कि किस बिना पर आप इन्हें दंड दिलवाएंगे? क्योंकि इस शीशी में तो एंटीडोट है ही नहीं, बल्कि इस शीशी में जो भी है इसका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है। योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर प्रभाकर की मृत्यु के बाद ये शीशी किसी ने दिनेश जी की केबिन में ला के रख दी हो, ये सोचकर कि इसमें कोई आवश्यक पदार्थ है। कमाल है पाठक साहब,
आप एक शरीफ इंसान पर यूं बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आज की कार्रवाई का फैसला रिसेस के बाद सुनाया जाएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सॉरी सर, सर लेकिन मोहित हमारी हिरासत से भाग गया सर, मतलब गायब हो गया सर। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मुझे आप ये बताएं कि वो था ही कब? मतलब गायब आदमी हिरासत में कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा हो गया, इसी बहाने ये तो पता चल गया कि असली मुजरिम है कौन। योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि मोहित क्यों भागा, क्योंकि मोहित जानता है कि असल हत्यारा कौन है। वो ये भी जानता है कि असल हत्यारे के पास उसके अदृश्य होने का एंटीडोट है योर ऑनर, जिसके जरिए वो वापस लौट कर आ सकता है। अब मुझे लगता है कि जब तक वो असल हत्यारे को ढूंढ नहीं लेता, उसके पास से वो एंटीडोट निकाल नहीं लेता, वो लौट कर आने वाला नहीं है योर ऑनर, क्योंकि वो अदालत में साबित करना चाहता है कि वो निर्दोष है। योर ऑनर, ऐसे करने में वो जो भी असल हत्यारा है उसे भारी निजी नुकसान पहुंचा सकता है योर ऑनर। इसलिए मैं तो कहूंगा कि हत्यारा जो भी है आगाह हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मिस्टर राठौड़, आप मोहित को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। नहीं, ये मेरा वहम है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता मुझे। नहीं, नहीं। कौन कौन है वहां? मैं डरता नहीं किसी से, सामने आओ। अरे सब के बाहर क्या करते हो, हिम्मत है तो सामने आओ। मैं जानता हूं तुम कौन हो, मोहित, वही तो ना, तुम यहां से बच के नहीं जाओगे। एक खून तो तुम कर ही चुके हो, डॉक्टर प्रभाकर का खून याद आया? मैंने कोई खून नहीं किया। अब भी समय है, नहीं कबूल कर ले अपना गुनाह, मैं करूंगा साबित अभी और इसी समय। बोलो तुमने ही डॉक्टर प्रभाकर की हत्या की है? नहीं, तुम ही उस दिन लैब में आए थे। कोई साबित नहीं कर सकता कि वो खून मैंने किया। कबूल कर ले अपना गुनाह। नहीं, तुमने ही वो एंटीडोट भी चुराया है, वो तुम ही हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे इस खूनी हाथ को, इस अंगूठी को भी। लैब की धीमी रोशनी में बहुत चमक रही थी, बिल्कुल इसी तरह। याद करो, ऐसा ही अंधेरा था ना वहां जब तुम प्रभाकर सर का खून कर रहे थे। तुम खूनी हो, खूनी, खून तुमने किया है, प्रभाकर सर का खून तुमने किया है। हाँ हाँ, मैंने मार दो उस पागल साइंटिस्ट को। और मैं क्या करता? उसने मुझसे मेरा इकलौता बच्चा छीन लिया, अपने एक प्रयोग के लिए। उसकी बलि चढ़ा दी, अपने आविष्कार को सफल करने के लिए। उसे तो मरना ही था, और इसलिए उस दिन जब वो अपना सबसे बड़ा आविष्कार दुनिया के सामने ला रहा था, मैंने इन्हीं हाथों से चाकू से मार के उसकी जान ले ली। मरना तो तुझे भी पड़ेगा। बचपन में वो कहानी सुनी है, एक जादूगर की जान तोते में कैद होती थी, तेरी जान इस शीशी में कैद है, और मेरे लिए तो अब ये बेकार। मैं तो डॉक्टर के लैब में उस चमत्कारी दवा को चोरी करने गया था, और मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास है, लेकिन उसने अदालत में पता चला कि वो तो एक एंटीडोट है।
अपनी मौत तो तूने उड़ा लिया। अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगा और तू तो कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। सारी उम्र गायब ही रहेगा। मुझे कभी तेरा शरीर नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये ले। नहीं। Just in the nick of time. अबे गधे, 500 से भी ज्यादा फिल्मों में बोला गया है ये डायलॉग कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अब तक नहीं समझा तू? अरे मोहित, चाकू नीचे कर। आगे तुम सब यहाँ? हाँ हम सब यहाँ सत्य जानने आए हैं। मोहित को मैंने ही भगाया था वहां अदालत से। क्षमा करना जज साहब, सत्य तक पहुंचने के लिए करना पड़ा मुझे। और उस समय अदालत में मैंने जब कहा था कि मोहित फरार हो गया है और किसी को निजी नुकसान पहुंचाएगा, बड़ा भारी नुकसान पहुंचाएगा, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम तीनों में से किस पर ज्यादा असर पड़ता है। और असर पड़ा आप पर कुणाल साहब, आप तो पसीने पसीने हो गए थे। तभी मुझे संदेह हो गया था कि षड्यंत्र के पीछे आप ही हैं। और आपने अभी अभी जो राम कहानी सुनाई वो हम सबने सुना, न्यायाधीश महोदय ने भी सुना। राठौर साहब के होते हुए कोई मुजरिम भाग ही नहीं सकता। अब देखो, बचने का कोई और तरीका तो है नहीं। हो सकता है कि अगर पूरी कहानी तुम बता दो तो जो दंड तुम्हें मिलने वाला है वो थोड़ा कम हो जाए। बताओ बताओ कहानी बताओ। चलो योर ऑनर, कॉन्फ्रेंस वाले दिन जैसे ही डॉक्टर प्रभाकर लैब में गए, मैं भी चुपके से उनके पीछे घुस गया। लैब का दरवाजा बंद होकर लॉक होने में 10 सेकंड का समय लेता है, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। उस दिन आसपास रह के मैंने इन सब बातों पर नजर रखी थी। हत्या को अंजाम देने के लिए पहले मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और उसके बाद कुछ ही देर में मेरा चाकू डॉक्टर के सीने में था और मैंने वो शीशी टेबल से उठाई और ये सोचकर कि उसी में वो चमत्कारी दवा है, वहां से निकल गया। और जब लीली भीड़ के साथ वहां आई तो मैं चुपके से भीड़ में शामिल हो गया। दत्त साहब, ये कहानी तो आप सुन चुके हैं, अब दंड देना तो आपके हाथ में। कभी कभी सत्य प्रमाण से परे होता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी केडी ने सत्य को शंकाओं की गर्त से खोद कर निकाल लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस केडी, ये साबित हो गया है कि कुणाल ही डॉक्टर प्रभाकर का असली कातिल है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाएगी और मोहित और ओमी को बाइज्जत बरी किया जाता है। सर, मेरी एक चीज आपके पास रह गई है। अरे सॉरी मोहित, भूल ही गया था, जाओ पिला दो। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट मोहित, उससे पहले कुछ कपड़े तो पहन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.